नरेश जोशी आज अपन पढ़ने जा रहे सुपर पोजिशन थ्योरम ठीक है अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं अभी अपना डीसी सर्किट में अगला टॉपिक है सुपर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम में हंड्रेड एंड वन परसेंट पूछते हैं इस पर क्वेश्चन और आपको आप प्रॉब्लम सोल्व करके जाए अगर आपको पास होना सेकंड चीज इसमें कोई भी इजी प्रॉब्लम सोल्व करके नहीं जाए आप जो भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं एटलीस्ट वो थोड़ा टफ होना चाहिए उसका लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए ठीक है तो आइए हम कैसे सोल्व करते हैं सुपरपोजिशन पोजिशन थियोरम ठीक है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवेमर अगेन क्लियर नाउ सुपरपोजिशन थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम पोजिशन सोल्व करने से आपको हम क्या देखना है कि कैसे हम उसको सोल्व करेंगे तो उसमें अपने को स्टेप वाइज सोल्व करना है तो कितने स्टेप्स आएंगे वो अपने को आइडेंटिफाई करना है ठीक है तो यहां पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखो नंबर ऑफ स्टेप्स नंबर ऑफ प्लस मतलब जितने सोर्स आपके सर्किट में प्रेजेंट है उससे प्लस वन करना है तो आपके उतने स्टेप आपको सर्किट में सोल्व करने में लगा ये आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में इतने स्टेप लगेंगे ठीक है नेक्स्ट उसमें क्या होगा अब हम जब भी सुपरपोजिशन सुपरविशन सोल्व करेंगे तो क्या होगा सभी सोर्स एक साथ वर्क नहीं करेंगे ओनली क्या होगा एट ए टाइम एक ही सोर्स आपका वर्क करेगा बाकी सब सोर्स क्या होगा

तो यहां पे पूछा भी क्या है फाइंड द करंट थ्रू सिक्स रजिस्टर यूजिंग सुपर पोजिशन थियोरम क्लियर तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ सोर्सेस प्लस वन तो वन टू थ्री देर आर थ्री सोर्स तो स्टेप्स कितने थ्री प्लस वन मतलब कितने होंगे फोर स्टेप है मैंने देखो काफी बड़ा प्रॉब्लम लिया है थोड़ा टाइम वीडियो लंबा होगा बट तो आप पूरा वीडियो देखिए बीच में थोड़ी आपको पूरा समझ में आएगा ठीक है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लियर सबसे फर्स्ट स्टेप वन अब स्टेप वन में आपको बहुत ध्यान से समझना है ठीक है सबसे पहले अपन फोर एम्पियर सोर्स अपना क्या रहेगा एम ऑन ऑन मीन्स ये आपका हम आपको कंसर्ट बताओ मैं ऑन जो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा फोर एम्पियर यहाँ पे क्या ऑन है और दूसरा टेन वोल्ट एंड थ्री एम्पेयर ये सब दोनों क्या रहेगा आपका ऑफ रहेंगे ठीक है ये आपको ध्यान रखना है क्लियर अब एक्चुअली में आपको एग्जाम में लिखना है क्या? ये लिखना है आपको कि फोर एमपियर यहां पे क्या है एक्टिंग है ठीक है और उसके बाद आपको यहां लिखना है थ्री टेन वोल्ट ये रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से ठीक है ये आप लिख सकते हो थ्री एम्पियर आपका कैसे रिप्लेस हो जाएगा ओपन सर्किट से ठीक है ये आप इसको उसके बाद आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है दोबारा ठीक है तो मैं आपको फोर ये आपका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं देखिए ये फोर एम्पियर

सॉरी ओम ठीक है ना ये आपका सिक्स ओम और ये इसी के थ्रू हमको क्या फाइंड आउट करना है करंट तो इसको हमने यहाँ पे दे दिया आई डे सिंगल डेस देना ठीक है क्योंकि जब स्टेप वन रहेगा आपको आई डेम ठीक है तो अभी हम इसको सोल्व करने के लिए अपने मैंने आपको पहले मैस एनालिसिस पढ़ा चुका हूं आप सभी को आता है तो आपका यहाँ पे एक बगैन में वापस बता दे रहा हूं ध्यान से समझना है ठीक है कौन कौन से क्या है तो ये आपका मैस वन है ठीक है, तो है? है, तो है? है और इस मैस वन में करंट पास हो रहा है आई वन तो करंट जब यहां से पास होगा क्या आएगा प्लस माइनस ये आपका मेस टू है तो इसमें पास होगा करंट आई टू और आई टू जब इधर से पास होगा प्लस माइनस इस पास प्लस माइनस प्लस माइनस नेक्स्ट आपका मेस थ्री है और इसमें आपका करंट पास होगा आई थ्री ठीक है प्लस माइनस प्लस माइनस ठीक है क्लियर अब यहां पे आपके आईडीएस की वैल्यू क्या रहेगी ये इंपॉर्टेंट है तो इस केस आपके आईडीएस की जो आपकी आई थ्री वैल्यू आएगी I3 equals क्या रहेगा आई डेस रहेगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है और हमको एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है है पे फिलहाल ठीक स्टेपन हम क्या फाइंड आउट करेंगे आई डे तो सिंपल सी बात है फर्स्ट देखिए आपका आई वन ये आपका क्या है I1 है तो I1 equals कितना हो गया फोर एम्पियर डायरेक्टली सर्किट डायग्राम से गिवन है फ्रॉम फ्रॉम सर्किट डायग्राम ठीक है तो क्या आएगा आई वन आई वन इक्व टू कितना फोर एम्पियर इसको निकालने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट अप्लाई केविल टू मैस टू तो अभी हम केविल अप्लाई करेंगे यहाँ पे अप्लाई केवियल टू मैस टू तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है माइनस टेन आई टू माइनस आई वन माइनस टू आई टू माइनस फाइव आई टू माइनस आई थ्री इक्वस टू जीरो क्लियर तो यहां पे यह क्या आ जाएगा माइनस ठीक है इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो मिलेगा क्लियर तो प्लस टेन आई वन ठीक है और ये दूसरा आपका इक्वेशन आएगा माइनस सेवनटीन आई टू एंड प्लस फाइव आई थ्री इक्वस टू इक्वेशन ही मिल जाएगा ठीक है तो अभी यहां पे आई वन की वैल्यू को पता है फोर एम यहाँ पे पुट कर देते फोर टेन इन फोर माइनस सेवनटीन आई टू प्लस फाइव आई थ्री टू जीरो कितना होगा फोर्टी उसको फोर्टी को हम क्या करेंगे राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो अपने इक्वेशन हो गई माइनस सेवनटीन आई टू प्लस फाइव आई थ्री इक्व टू माइनस फोर्टी और ये आपकी इक्वेशन होगी वन ठीक है ये भी हम स्टेप वन में चल रहे हैं ठीक है आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट अभी आपका यहां पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट अभी देखो ये आपको ध्यान देना है अभी हम किस को अप्लाई करेंगे मैस थ्री को तो अप्लाई केवीएल टू मैच थ्री थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम है और जीरो तो माइनस यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे आई वन तो होगा नहीं जान दो तो अभी आपका आई टू क्या हो जाएगा प्लस फाइव आई टू और माइनस फाइव और सिक्स कितना होगा इलेवन हो जाएंगे तो इलेवन

देन सेकंड इक्वेशन में आ जाएंगे प्लस फाइव देन माइनस इलेवन देन जीरो इक्वस टू यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे I2 टू सॉरी आई टू आया आई वन तुमको पहले मिल गया तो आई टू इक्वस टू कितना आगे? देखो I2 टू इक्वस टू पॉइंट सेवन वन सिक्स तो टू पॉइंट सेवन वन सिक्स एंड I3 कितना आया I3 थ्री इक्व टू वन पॉइंट टू थ्री फोर ठीक है ना वन पॉइंट टू थ्री फोर ठीक है ये आपका क्या होगा और और हमको में चाहिए चाहिए क्या I3 तो I3, क्या हो गया? I3 और I3 क्या तो हो होगा कितना आ गया डाउनवर्ड क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है तो ये आपका डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड क्लियर तो ये आपको मिल गया आई वन डे ठीक है क्लियर नेक्स्ट अभी हम स्टेप टू ठीक है सेकंड स्टेप सेकंड में क्या होगा अब फोर एम्पियर हो गया है अब नेक्स्ट आता है टेन वोल्ट तो यहाँ पर टेन वोल्ट आपका क्या रहेगा ऑन ठीक है ये ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा बाकी सब क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएंगे तो यहाँ पर फोर एम्पियर क्या हो जाएगा ऑफ ठीक है और सेकंड वाला कौन सा है थ्री एमपियर वो भी क्या हो जाएगा ऑफ तो ये दोनों ऑफ रहेंगे अभी एक्चुअल में लिखना है क्या आपने को टेन वोल्ट क्या आपका एक्टिंग अलोन तो उसको लिखेंगे एक्टिंग और फोर एम्पियर एंड थ्री एमपियर ये क्या रिप्लेस होंगे ओपन सर्किट से ठीक है तो ये लिखेंगे ओसी क्लियर अब सर्किट आपको दोबारा ड्रॉ करना ठीक है सर्किट डायग्राम तो कैसे सर ड्रॉ होगा फोर एम क्या हो गया ओपन सर्किट इसको ड्रॉ ही नहीं करना है डायरेक्ट टेन ओम रेजिस्टेंस देन वोल्ट ये कितना हो गया टू ओम ओम और ये आपका क्या हो गया थ्री एम तो ये आपका ओपन सर्किट हो गया वापिस सिक्स ओम ये आपका ए और बी ठीक है इसमें आपका करंट जो पास होगा अभी यहाँ पे आई डबल डेस आएगा हमने आई डबल डेस ठीक है और ये आपका ओम ओम क्योंकि 6 ना क्या क्या है 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 लोड ठीक अगेन वापस पे अपन अप्लाई करेंगे केवीएल अप्लाई करेंगे मैस ठीक है मेस एनालिसिस जो अपने केवेल लगाना है तो सबसे पहले मेस एनालिसिस मेस वन है आपका इसमें करंट आई वन पास हो रहा है तो आई वन यहाँ से पास होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये आपका मैच टू है इसमें जो करंट पास होगा आई टू ठीक है प्लस माइनस प्लस माइनस क्लियर और यहां पे, आप, आए, यहां पे आपके आई डबल डेस की वैल्यू क्या होगी आई डबल डेस इक्वल टू क्या रहेगा आई टू क्लियर ये आपको ध्यान रखना है तो अभी हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे आई वन ठीक है मैस एट तो यहां पे क्या क्या माइनस अप्लाई केवीएल टू वन क्लियर तो माइनस टेन आई वन माइनस अब यह क्या हो जाएगा यहां पर प्लस आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस टेन देन माइनस टू आई वन माइनस फाइव आई वन माइनस आई टू इक्वस टू जीरो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस सेवन सेवनटीन आई वन देन प्लस फाइव आई टू और इस टेन को इस साइड सिप्ट कर दे क्या हो जाएगा प्लस टेन आपकी होगी इक्वेशन वन ठीक है नेक्स्ट अप्लाई करेंगे के अप्लाई क्योंकि इसका केवल अपलाई कर आई टू क्या रहेगा हायर रहेगा फिर आई वन आपका लो रहेगा तो आई टू माइनस आई वन देन माइनस सिक्स आई टू इक्व टू जीरो तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या का? प्लस फाइव आई वन एंड माइनस इलेवन आई टू इक्वस टू तो जीरो तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर टू अब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना अगेन तो सबसे फर्स्ट माइनस सेवनटीन देन प्लस फाइव देन टेन देन माइनस आई टू कितना है फाइव देन माइनस इलेवन और सी इक्वस टू तो जीरो तो यहां पे देखो आई वन की वैल्यू कितना जीरो एट एमपियर ठीक है ये आपका आई टू है अभी हम यहाँ पे एक्चुअल आई डबल डेस्क की हमको आई डबल डेस्क की वैल्यू चाहिए आई डबल डेस्ट इक्व टू क्या होगा गया आई टू और टू इक्वल टू कितना है माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो एट एमपियर डायरेक्शन क्या रहेगा डाउनवर्ड ठीक है तो ये हमको आंसर मिल गया I डबल डेस्क का ठीक है अभी लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप ठीक है तो थर्ड स्टेप में क्या रहेगा थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री क्लियर अब स्टेप थ्री में आपका क्या होगा ध्यान से देखना ठीक है स्टेप थ्री तो स्टेप थ्री में सिंपल सा आ, ये देखना है ये सोर्स हो गया ये सोर्स हो गया अभी बचा कौन सा थ्री एम्पियर तो अभी यहाँ पे थ्री एम्पियर क्या हो जाएगा ऑन और बाकी दूसरे सोर्स क्या हो जाएंगे ऑफ तो फोर एम्पियर एंड टेन वोल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑफ क्लियर तो ये आपको ध्यान रखना है इसी आपको पता चलेगा कि कौन ऑफ हो रहा है कौन हो रहा है जो ऑफ हो रहा है उनको क्या रिप्लेस करना है बाय इंटरनेल इंटरनेशन मतलब क्या होगा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट तो अभी यहाँ पे थ्री एमपियर की आपका एक्टिंग हो गया थ्री एमपियर क्या हो गया एक्टिंग क्लियर और फोर एमपियर आपका कैसे रिप्लेस होगा ओपन सर्किट से और टेन वोल्ट कैसे रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट से ठीक है तो नेक्स्ट अभी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये आपका क्या हो गया ओपन सर्किट इसको रहने दो एज इट इज ड्रॉप मतलब ओपन सर्किट हो गया तो ये आपका नेक्स्ट सर्किट बनाना दोबारा टेन ओम उसके बाद ये शॉर्ट सर्किट हो गया इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ पे फिर टू ओम नेक्स्ट आपका फाइव ओम और ये करंट सोर्स आपका अभी वर्किंग है तो इसको एज इट इस इज कंसिडर किया है थ्री एम और ये आपका सिक्स ओम रेजिस्टेंस और ये आपकी क्या है लोड ब्रांच ठीक है और इसमें जो करंट पास होगा रहेगा आपका आई ट्रिपल डेस ठीक है ना यह ध्यान रखना है क्योंकि स्टेप थ्री तो करंट कितना होगा ट्रिपल डेस अब यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे सोल्व करने के लिए मैस एनालिसिस अगेन तो ये आपका मैस वन है इसमें करंट आई वन पास होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये आपका मैस टू है और इसमें जो करंट पास होगा कौन सा आई टू प्लस माइनस ये आपका मैस थ्री है इसमें जो करंट पास होगा आई थ्री

ओके okay, सो so, ये आपका क्या हो गया दिस इज योर सुपर मैस क्लियर दिस इज अपर मैस ये आइडेंटिफाई ध्यान रखना दो कर दो मेस के बीच में करंट सोर्स आता है वो आपका क्या होता है सुपर मैस सिंपल सा ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है सिंपल है बहुत ठीक है नाउ अप्लाई केवीएल टू मेस वन क्लियर तो क्या आएगा माइनस टेन आई वन माइनस टू आई वन माइनस फाइव आई वन माइनस आई टू इक्वस टू जीरो तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा माइनस सेवनटीन आई वन प्लस फाइव आई टू तो इक्वस टू तो जीरो दिस इक्वेशन नंबर वन नाउ अब देखो यहां पे अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं अप्लाई केवीएल टू सुपर मैस ठीक है ना सुपर मैस में अप्लाई करना है ध्यान रखना है ठीक है सुपर मेस अभी आपका पूरा सुपर मेस है तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, रहा हूं हूं इधर जा माइनस सिक्स इसमें कौन सा सिक्स में कौन सा करंट पास हो रहा है आई टू आई थ्री तो माइनस सिक्स आई थ्री इधर आया अब इधर नहीं जाना देखो सुपर मेस आपको जैसे ये यहां से स्टार्ट किया तो आपको इससे जाना है इससे जाना है ऐसे जाना है वापस इधर आना है इसे इस बिटवीन जो बीच वाला ब्रांच है उसमें नहीं जाना ठीक है, है तो अभी मैं इधर गया हूं ये लिखा मैंने अभी इधर आ रहा हूं वापस इधर जा रहा हूं तो माइनस फाइव आई टू माइनस आई वन इक्वल्स टू जीरो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा माइनस ठीक है दोनों को माइनस सिक्स आई थ्री माइनस फाइव आई टू माइनस माइनस प्लस फाइव आई वन इक्व टू जीरो क्लियर तो अब इसको फाइव वाइज लिख देते हैं माइनस फाइव आई टू माइनस सिक्स आई थ्री इक्वस टू जीरो ठीक है और ये क्वेश्चन हो गई नंबर टू नेक्स्ट बाय केसीएल ठीक है अब जहां पे आपको सुपर मेष में चीज देना है जो कॉमन ब्रांच है वहां पे अपन क्या अप्लाई करेंगे केसीएल अब केसीएल के सब लोग टकनी बताता हूं वैसे तो केसीएल पे अप्लाई करते हैं बट आपको पे देखना है इसका डायरेक्शन कौन सा इसका डायरेक्शन अपवर्ड है तो इन दोनों मेस के कारण किसका डायरेक्शन अपवर्ड है तो आई थ्री का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है मैच हो रहा है क्योंकि ये भी अपवर्ड जा रहा है तो ये भी अपवर्ड जा रहा है तो हम आई थ्री माइनस आई टू करेंगे क्योंकि देखो आई थ्री आपका इधर जा रहा है तो उधर से अपोजिट में कौन सा आई टू आ रहा है क्लियर तो हमको ये देखना है कि कौन सा वाला पहले लिखना है तो जो डायरेक्शन करंट सोर्स का डायरेक्शन का, का डाउनवर्ड है तो उसके रेफरेंस में दूसरा करंट कौन सा डाउनवर्ड जा रहा है वो पहले लिखना है अगर अपवर्ड अपवर्ड है है तो जो करंट जा रहा उसको पहले लिखना है बाद में उसके अपोजिट वाला करना तो अभी यहां पे देख लो आई यहां पे करंट अपवर्ड जा रहा है तो इधर आई थ्री अफवर्ड जा रहा है तो इसके अपोजिट अब अप कौन सा राइट टू रहा है तो बाई क्या लिखेंगे आई थ्री माइनस आई टू इक्व टू और करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है थ्री एम्पियन ये थ्री ठीक है अब इसको ऑर्डर वाइज सिंप्लीफाई कर देंगे माइनस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू थ्री ये आपकी इक्वेशन हो गई थ्री ठीक है तीनों इक्वेशन को हम कैल्सियम सोल्व करते हैं ठीक है क्लियर ध्यान से मिलना अभी यहां पे अननोन्स थ्री अननोन्स देखो पे थ्री इक्वेशन में थ्री अननोन्स आ गए ठीक है ना तो हम यहाँ पे अन थ्री लेंगे ठीक है तो आई एवन एवन क्या हो गया माइनस सेवनटीन नेक्स्ट प्लस फाइव सीवन आई थ्री नहीं है तो आई थ्री के बिल क्या एंटर करेंगे जीरो next d1 0 next 5 next minus 5 next minus 6 next 0 next i1 i1 here 0 next minus sorry 0 my, minus 1 next plus 1 then 3 ठीक है तो आपको I1 अब यहां पे I1 की वैल्यू क्या आई I1 वन इक्व टू देखो I1 वन इक्व टू कितना आया माइनस जीरो पॉइंट फाइव फाइव तो मैं क्या लिखूंगा माइनस जीरो पॉइंट ट्रिपल फाइव देन I2 I2 आई टू इक्व टू कितना आया माइनस वन पॉइंट एट एट सो माइनस वन पॉइंट एट एट उसको राउंड अप भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आंसर में ठीक है ना और आई थ्री इक्वस टू कितना प्लस वन पॉइंट ट्रिपल वन ठीक है देखो आ, आई थ्रीव टू तो वन पॉइंट ट्रिपल वन क्लियर तो ये आपकी आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू अपने को क्या चेक पे? और डायरेक्शन तो तो क्या हो गया डाउनवर्ड क्लियर ये यहां पे डायरेक्शन वो नहीं पड़ेगा क्योंकि हर एक करंट का डाउनवर्ड जा रहा है उसको नेगेटिव उसको नेगेटिव देना पॉजिटिव नहीं करना है ठीक है ना आपको ध्यान अब लास्ट में अपनी जो स्टेप्स रहेगी वो इंपॉर्टेंट स्टेप है फोर्थ स्टेप स्टेप नंबर फोर बाय सुपर पोजिशन थ्योरम ठीक है सुपर पोजिशन हमको फाइंड आउट क्या करना है करंट पासिंग थ्रू सिक्स ओम तो अभी तीनों जो मेथड थे उनके करंट क्या थे आई वन डेज प्लस आई ट्रिप आई डबल डेज और आई ट्रिपल ये तीनों स्टेप्स के हमने करंट को क्या करना है एड करना है तो आई वन डेज का करंट क्या रहा पहले वो लिखना है तो सबसे पहले फाइंड आउट किया था आई वन डेज देखो आई वन डेज की वैल्यू क्या आई ठीक है आई वन डेवल टू वन पॉइंट टू थ्री फोर एमपियर तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वन पॉइंट टू थ्री फोर एम्पियर डायरेक्शन में लिख रहा हूं क्योंकि कोई भी डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड भी कुछ भी हो सकता है ये आई वन हो गया ठीक है नेक्स्ट आई टू डे आई डबल डेज आई डबल डेज की वैल्यू क्या आई ठीक है माइनस आई है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं जीरो पॉइंट थ्री जीरो एट एम और डायरेक्शन क्या है इसमें डाउनवर्ड ये डाउनवर्ड लिख दिया नेक्स्ट आई ट्रिपल डे ट्रिपल डे तो आई ट्रिपल की वैल्यू क्या ये है। तो पॉइंट देखो तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए ठीक है थीके? अब ये माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है अब हम इसको एड करेंगे देखो कैसे एड करना है ठीक है ध्यान से समझना है फर्स्ट वन पॉइंट टू थ्री फोर अब ये माइनस है डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो सेम है तो इसको माइनस लिखेंगे माइनस जीरो आंसर आया करंट पासिंग थ्रू सिक्स टू पॉइंट जीरो थ्री सेवन एमपीय एंड डायरेक्शन डाउनवर्ड क्लियर यहां पे अपन फाइनल डायरेक्शन जो अगर माइनस आता तो अपवर्ड शो करते अभी डाउनवर्ड आया था हमने जो डायरेन्नोडम किया तो वही आया तो हमारा वही सेम रहेगा ठीक है तो ये आपका हो गया कौन सा हो गया सुपर पोजिशन मेरे ख्याल से सुपर पोजिशन समझ में आ गया होगा थोड़ा लेंदी वीडियो रहेगा लेकिन आपको समझ गया प्रिय दोस्तों मेरे साथ की रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड को शेयर करें जिनको जरूरत है वो भी समझे आप भी समझे और आगे से आगे इसको फैलाते रहिए ठीक है लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू वेरी मच